हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक के एटीएम कार्ड को यूज करते हैं और अपना एटीएम पिन भूल गए हैं और परेशान हैं कि उस एटीएम पिन को हम कैसे फॉरगेट या फिर रीसेट करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि अभी अगले 2 मिनट में इस वीडियो को आप देख कर अपने उस एक्सिस बैंक के एटीएम पिन को फॉरगेट या फिर रीसेट करना सीख जाएंगे और तुरंत ही उस एटीएम कार्ड को यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपने एक्सिस बैंक के एटीएम पिन को फॉरगेट या फिर रीसेट करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें पहला है एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड जिसका आप पिन भूल चुके हैं, दूसरा है एक्सिस बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और तीसरा है एक्सिस बैंक अकाउंट में आपका जो भी रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ है वो। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर आप एक्सिस बैंक के किसी भी एटीएम में चले जाएं, आगे का प्रोसेस हम वहीं पर कर पाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आप अपने एटीएम कार्ड को वहाँ के एटीएम मशीन में स्वाइप करें, उसके बाद लैंग्वेज वाले स्क्रीन से अपने पसंद का एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, और इसी के साथ आपको स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आप सेट न्यू पिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगले स्टेप में आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका एक्सिस बैंक में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको एंटर कर दें और इसी स्क्रीन के प्रेस यस के बटन को सेलेक्ट करें। अब आपको आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका एक्सिस बैंक में जो भी रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ है उसको DDMMYY के फॉर्मेट में आप एंटर कर दें और इसी स्क्रीन के प्रेस यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके तुरंत बाद अब आपको आपका पासकोड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे पास पासकोड तो है नहीं, मैं क्या करूँ, तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में देखें, आपको एक्सिस बैंक की तरफ से तुरंत ही एक SMS आएगा और उसमें आपको 4 डिजिट का एक OTP लिखा हुआ मिल जाएगा, यही आपका पासकोड भी होगा। तो जैसे आपको ये SMS मिल जाए, तो इस SMS में लिखे हुए 4 डिजिट OTP को आप ATM में एंटर कर दें। आपके पासकोड को एंटर करते ही अगले स्क्रीन में आपको एक न्यू पिन बनाने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब यहाँ से आप अपने उस ATM कार्ड के लिए एक न्यू पिन बना सकते हैं। तो आप एक 4 डिजिट का कोई भी न्यू पिन सोच लें, जो कि आप बाद में भूलने का डर ना हो और इस तरह का कंडीशन दोबारा से आपके साथ ना आए, और उस न्यू पिन को आप ATM मशीन में एंटर कर दें। इसके तुरंत ही बाद आपको आपका न्यू पिन वेरीफाई करने के लिए उसको री एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो आप दोबारा से अपने न्यू पिन को ATM मशीन में एंटर कर दें, और जैसे ही आप 2 बार अपने न्यू पिन को एंटर करेंगे तो अगले स्क्रीन में लिखा हुआ जाएगा, थैंक यू, योर ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि आपने अपने एक्सिस बैंक के ATM पिन को रीसेट कर लिया है और अब आप अभी अभी आपने जो भी न्यू पिन बनाया है उसका यूज करके अपने उस एक्सिस बैंक के ATM कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।